उसके घर में भी वो मेहमानों के पास ही रहकर खाना लगा रहा था और मेहमान भी अच्छे से पेट भर के खाकर पूछकर खाना ले रहे थे और मेहमान भी अच्छे से पेट भर के खाना खाकर पूछ पूछ कर खाना ले रहे थे। ऐसे मेहमानों को खाता देख शेर बहुत खुश हुआ। उतना ही नहीं, उसने मेहमान नवाजी के लिए किसी से कोई पैसे तक नहीं मांगे। थोड़ी देर बाद बंदर और कौवे को देखने वाला शेर घर के अंदर गया। लाठी लेकर आएगा करके वे दोनों भागने की तैयारी में थे। बाहर भोजन लेकर पेड़ के नीचे रहा।